मनोज बाजपेयी और रणवीर सिंह अपेरेंटली एक साथ नजर आएंगे राकेश ओम प्रकाश मेहरा की नेक्स्ट प्रोडक्शन फिल्म में, जिसे डायरेक्ट करेंगे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और ये एक डांस बेस्ड फिल्म होगी। अली जफर और यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म टोटल सियापा का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ गया है। हियर्स अ ग्लिम्स। सनी देओल से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो उनके पापा धर्मेंद्र की किसी फिल्म की रीमेक बनाना चाहेंगे, तब सनी का जवाब था, आई वोंट डू इट फॉर एनी अदर रीजन बट बिकॉज डैड्स फिल्म्स हैव बीन आइकॉनिक। कमल हासन स्टारर विश्व रूपम 2 में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान उनकी मदर का रोल प्ले करती दिखेंगी। शी विल बी सीन प्लेइंग एन एजिंग क्लासिकल डांसर। शिल्पा शेट्टी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि नई जनरेशन की एक्ट्रेसेस में से उनकी फेवरेट हैं दीपिका पादुकोण। शी सेड दीपिका हैज द परफेक्ट लुक्स एंड फीचर्स, ऑल्सो बी इट हर डांसिंग और एक्टिंग, आई थिंक शी हैज द पोटेंशियल टू मेक इट एज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। फारा खान की मल्टी स्टारर हैप्पी न्यू ईयर की स्टारकास्ट को ज्वाइन कर दिया है वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने। ट्विटर पर इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए फारा ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर वेलकम्स अनुपम खेर हु जॉइंस आवर कास्ट टुडे, थैंक यू अनुपम, वी लव यू। खबर मिली है कि एकता कपूर ने उनकी नेक्स्ट प्रोडक्शन फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए प्रभु देवा को रोप इन कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सारे न्यू कमर्स होंगे। विक्रम भट्ट अब राज फ्रेंचाइजी के फोर्थ इंस्टॉलमेंट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और राज 4 1976 की हॉलीवुड क्लासिक द ओमेन से इंस्पायर्ड होगी। ऋतिक रोशन की इल हेल्थ की वजह से उनकी फिल्म शुद्धि का स्केड्यूल पोस्टपोन हो गया है और करीना हु हैड अलॉटेड 200 डेज फॉर दिस फिल्म डजंट वांट टू सिट आइडल, इसीलिए करीना ने अपने डेट्स देव बेनेगल की फिल्म के लिए दे दिए हैं, जिसमें वो फरहान अख्तर के ऑपोजिट साइन की गई हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को रिसेंटली उनके पेरेंट्स और बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दरअसल ये सब दुबई से लौटे थे, जहां ऐश ने उनके फादर कृष्णराज राय के 75th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी थ्रो की थी। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी छोटी बहन अनीशा उनकी मोस्ट ब्लंट क्रिटिक है। शी एक्सप्लेन, शी इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर ओपिनियन, शी इज माई मोस्ट ब्लंट क्रिटिक एंड शी स्पीक्स हर हार्ट, इवन इफ शी इज क्रिटिसाइजिंग मी आई डोंट माइंड इट बिकॉज शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड शी वॉन्ट्स मी टू डू वेल। फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने उनकी फिल्म मेहरुनिसा को खुद प्रोड्यूस करने का फैसला किया है और वो इस फिल्म के बजट को कट डाउन करने वाले हैं। मेहरुनिसा रिपोर्टेडली स्टार्स अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर एंड चित्रांगदा सिंह। उपेन पटेल जो कि लाइमलाइट से काफी वक्त तक दूर रहे, अब अपना कमबैक करने जा रहे हैं तमिल फिल्म आई के साथ। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी एमी जैक्सन। माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी और हुमा कुरेशी ने हाल ही में इनकी फिल्म डेरिश्किया का न्यू ट्रेलर अनवील किया और मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान इन सब ने कुछ इस तरह शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। द होल कास्ट, नसीर जी, अरशद, हुमा एंड एवरीवन, आई रियली रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। इट वाज लाइक हैविंग अ पिकनिक, यू नो, इन द डर्टीएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ, बट वी मेड इट वर्क एंड आई थिंक वी रियली एंजॉयड इट। So you will see that in the movie and I hope you really enjoy it. When I read the script, I loved it. I loved the characters. They're far more madder. It's a far more irreverent, badtameez kisam ki film hai. Matlab bahut mazedar hai. I think that's the best thing about this one. The first one is very heavy, it's very intense. But this one is more fun. It's a beautiful film, very well shot. A lot of hard work has gone into it. Very, very scary, unhygienic, sweaty, dirty locations. थैंक्स टू माई डायरेक्टर, जो सबसे गंदी जगह देखते हैं वहाँ जाके कैमरा लगा देते हैं। सो वी सफर्ड ऑल दैट एंड वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ द डर्ट एंड द मक दैट वी वेंट थ्रू।
Ravi Gautam aur Pakistani singer turned actor Ali Zafar ek saath nazar aayenge unki upcoming film Total Siapa ka first look launch karte hue. Yahan in dono ne media ke saath interact kiya and they spoke volumes about this film. Dekhte hain is event ki ek jhalak. For All Animal Care and Adoptions इस ऑर्गेनाइजेशन के न्यू कैंपेन अडॉप्टथॉन को सपोर्ट करते दिखे कई बी टाउन सेलेब्स. देखते हैं इस इवेंट की एक झलक. बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन शेपिंग फ्यूचर्स इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करती नजर आई जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई. कल्कि ने इस कैंपेन की काफी तारीफ की और इससे जुड़ने पर अपनी खुशी भी जाहिर की. शेखर सुमन उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हार्टलेस का प्रमोशन करने आए मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में. शेखर के साथ यहां नजर आए इस फिल्म के एक्टर्स अध्ययन सुमन और एक्ट्रेस अरियाना अयम. टेक अ लुक.